अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद हैदर हुसैन जेस्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से आप सबका खैर मकदम करता हूँ। तेलंगाना रियासत में मास्क ना लगाने वालों पर रखी जा रही है नजर। सीसीटीवी कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। जो लोग मास्क ना लगाकर घरों से निकल रहे हैं उन पर फाइन लगाया जा रहा है और पुलिस ने अवाम से गुजारिश की है कि बगैर मास्क के घरों से ना निकल। बेगम बाजार में दुकानदारों ने किया शदीद एहतजाज और इन दुकानदारों ने चाइना के सामान को सरेआम तोड़कर कहा कि अब वो चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे और ना ही बेचेंगे। 20 फौजी जवानों की शहादत पर हुआ बड़ा एहतजाज। भारत माता की, भारत माता की। और हम व्यापारी आज ये घोषणा करते हैं कि सेना की कोई भी आइटम हम आइंदा के बाद नहीं बेचेंगे। इसकी वजह यही है कि हमारे सैनिकों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए हमने व्यापारियों ने ये निर्णय लिया है कि हम सेना आइटम का बिल्कुल बहिष्कार करते हैं और वो आइटम हम नहीं बेचेंगे। ओनली फॉर भारत का प्रोडक्शन है, वो हम माल बेचेंगे, दूसरे आइटम नहीं बेचेंगे। और हमारे अंदर बहुत सारी आइटम बनती है, हम उसका सेल करेंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं आज के मौसम पर। आज भी मौसम हसबे हाल बेहतर रहा। आज का दर्ज हरारत है 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई खबरों के साथ।